डीडीसी सर आकर के WPO जो कि बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट और ओपन जिम और रूरल हाट और शब्दागिरी का उद्घाटन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार का पहला रूरल हाट बाजार होगा क्योंकि पंचायतों में इस तरीके का होता नहीं था। पूर्व में जो हमारे DM साहब थे रोशन कुशवाहा सर, उनका एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट था ये रूरल हाट लेके दुकान लगा रहे, उनकी जगह पे एक स्थायी एक दुकान लोगों को देने की एक पहल है, जिसके साथ ही पंचायत को अपना एक आय का स्रोत भी मिलेगा जिससे पंचायत स्वयं निर्भर आत्मनिर्भर हो जाएगी। चरण में हो अशोक तिवारी इस वक्त दावा पंचायत में है और आप देख सकते हैं पंचायत सरकार भवन दावा जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और आज जिलाधिकारी महोदय आने वाले थे, हालांकि जिलाधिकारी महोदय नहीं आए हैं, आज DDC महोदय आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारी योजनाओं का आज उद्घाटन होने वाला है, जैसे कि ओपन जिम, पहला बिहार का पहला ऐसा ये पंचायत शायद होगा जहाँ पे रूरल हाट बाजार का उद्घाटन होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का यहाँ की विधि व्यवस्था देखी गई काफ़ी ही सुचारू तरीके से शुरू से ही दावा पंचायत की चर्चा रहती है, तो दावा पंचायत में रूरल हाट बाजार का आज उद्घाटन हुआ और पहला ये पंचायत होगा पूरे बिहार में हमें जहाँ तक लगता है, जहाँ से रिवेन्यू पंचायत में भी रिवेन्यू जनरेट होगा। और ओपन जिम वगैरह भी उद्घाटन हुए, 100 गृह का उद्घाटन हुआ, आपदा वो जो कचरा प्रबंधन का भी उद्घाटन हुआ, तो DDC महोदय आए और तमाम जितने भी योजनाएं सब का उद्घाटन किए और जो भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है काफ़ी सुचारू तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि दावा पंचायत की यदि हम बात करते हैं तो दावा पंचायत के मुखिया सुषमलता लगातार अपने अच्छे कार्य करने के लिए जानी जाती है, हमेशा से काफ़ी जुझारू मुखिया है, हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए जानी जाती है। और आप देख सकते हैं जहाँ पंचायतों में नली गली में तमाम लोग उलझे हुए हैं, यहाँ दावा पंचायत की मुखिया सुषमलता ने लगातार अच्छे अच्छे कार्य करके और एक मैसेज दे रही है कि नहीं, पंचायत में बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं और जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। रिवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन तब रिवेन्यू जनरेट करना है जब आप पैसा कमाएं। तो हट बाज़ार का उद्घाटन हुआ तो ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा बाज़ार का निर्माण किया गया जहाँ लोग अपनी दुकान लगाएंगे, सब्जी की दुकान या फिर समोसे चाट की दुकान या और सारी दुकानें, और उससे जो आप अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ रिवेन्यू पंचायत सरकार को देना है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था है, सुचारू व्यवस्था है, तो एक संदेश है और पूरे बिहार के लिए एक संदेश है। और तमाम जगहों पे इस तरह की व्यवस्था हमें जहाँ तक लगता है कि इस पंचायत को देखने के बाद तमाम पंचायतों में इस तरह की सरगर्मी तेज होगी और हर जगह इस तरह की व्यवस्थाएँ रची जाएगी और होगा। जगदीशपुर के दावा पंचायत में पंचायत राज विभाग एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बड़ी अच्छी पहल है। शब्दागृह एक मॉडल बनाया जा रहा है, WPU जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका है, फिर युवाओं के लिए ओपन जिम का निर्माण अधिष्ठापन उन्होंने वहाँ पे किया है। साथ ही एक नई अच्छी पहल है जो जिला में बाकी जगह पे भी हम लोग रेप्लिकेट करेंगे, वो एक जो ग्रामीण हाट लगाने की, जो रास्ते पे जो जगह जगह पे दुकान लगा रहे हैं उनकी जगह पे एक स्थायी एक दुकान लोगों को देने की एक पहल है, जिसके साथ ही पंचायत को अपना एक आय का स्रोत भी मिलेगा जिससे पंचायत स्वयं निर्भर आत्मनिर्भर हो जाएगी और अच्छी तरह से सुविधाएं लोगों को दे पाएगी, इसके लिए पहल है। तो हम आशा करते हैं कि मुखिया जी, जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ पंचायत के सभी लोग भी इन सुविधाओं का लाभ लेंगे और अपनी पंचायत को स्वस्थ और बच्चों का स्वस्थ बनाने में सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, DDC साहब का आगमन हुआ और एक साथ हम लोगों ने चार चार चीज़ों का आज उद्घाटन करवाया। सर का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है और आने वाले दिन में भी हम लोग कुछ नई चीज़ें करने जा रहे हैं पंचायत में, और एक तारीख से पंचायत अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए कि पंचायत का अपना एक आय का स्रोत इस ग्रामीण हाट बाज़ार से आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। भोजपुर में क्या हमको तो जहाँ तक शायद जानकारी है बिहार का पहला रूरल हाट बाज़ार होगा क्योंकि पंचायतों में इस तरीके का होता नहीं था। पूर्व में जो हमारे DM साहब थे रोशन कुशवाहा सर, उनका एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट था ये रूरल हाट लेके आना, तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। वर्तमान में जो हमारे DM साहब हैं, DDC साहब हैं, उन लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और वो लोग हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो उन सभी लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। होगा अभी आप समझ रहे हैं आज नवरात्र का समय चल रहा है और उसकी वजह से कुछ व्यस्तता हो सकती है, और DM साहब नहीं आए तो DM साहब पे बहुत बड़ी पेनल्टी हम लोग लगाएंगे यहाँ से पंचायत की तरफ से,
व्यस्तता है, सरकारी अधिकारी हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यस्तता होगी। डीडीसी सर आकर के WPO जो कि बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट और ओपन जिम और रूरल हाट और शब्दागिरी का उद्घाटन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। इस जैसा कि अभी सर ने बताया कि इससे स्वरोजगार के साथ साथ लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, पंचायत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और एक बहुत अच्छा पहल है और ये अनुसरण भी करना चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे ज़िले को कि इस तरह का जो पॉलिसी है सरकार की उसका हम लोग भरपूर सहयोग माने लें इसका और ख़ास कर करके यहाँ के माननीय मुखिया जी के द्वारा बहुत अच्छी पहल है और अनुसरण ये योग्य है। तो मुझे भी बहुत गौरवान्वित में महसूस कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया था और जिला का ये पहला हमें जहाँ तक लगता है। हाँ, ये जो कार्यक्रम जो खास करके रूरल हाट जो है ये पहला है, WPO में भी आपका ये तीसरा है लेकिन रूरल हाट में पहला है, पूरे ज़िले के लिए बहुत सम्मान की बात है, गौरव की बात है, हम लोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।